सफलता का वाहन है, चमत्कार है, चमत्कार। अरे बाबा, तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। अगर नहीं भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोग कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला ना, जिनको देखने बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो। भैया जी आप तो बस ना, तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओके तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाले ट्रिक होगा नहीं ना, सबसे पहले तुमको अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लेना है। उसके बाद तुमको अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को मास सिलेक्टर की इस वाली जगह पे लगाना है, जो अपना एटीएम मशीन होता है ना, जहाँ से गन्स खरीदते हैं, वहाँ पे तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लगाना, कुछ इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है। और ना जैसे ही तुम्हारी गाड़ी ऐसे प्रॉपर लग जाएगी ना, उसके बाद तुम लोग इंटर और गेट आउट करना। उसके बाद देख ही सकते हो तुम लोग पूरा एटीएम मशीन के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे कोई अगर बंदा आता है ना अपना मतलब सामान वामान खरीदने अपने स्क्वाड टीममेट को बचाने ना, तो तुम लोग बहुत आराम से उसे मार सकते हो यहाँ से। और ना अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है और तुम लोग यहाँ से सडनली एकदम ना एकदम से बाहर निकल जाते, मतलब वो पगला ही जाएगा कि तुम लोग कहाँ से आ चुके हो। तो तुम लोग देख ही सकते हो अपने पहले वाले ट्रिक ना कुछ अचानक भयानक भयंकर है, तो इस वाले ट्रिक के लिए ना एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग एक मिनी लॉन्च पैड को लेना। उसके बाद सेंटोसा के तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना, जहाँ की रिवाइव पॉइंट रहता है। और ना जैसे ही तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओ, फिर तुम लोग इस वाली जगह पे बैठना है और तुम्हारा जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना, उसको कुछ इस वाली जगह पे ना ऐसे लगा देना है। और जैसे ना तुम्हारा मिनी लॉन्च पैड इस वाली जगह पे लग जाएगा, उसके बाद तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, इसे पूरा ऊपर की साइड करना है। फिर तुम्हारा जो लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना, दोनों के साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना है। और उसके बाद तुम लोग देख सकते हो तुम लोग ना पूरा वॉल के अंदर आ चुके हो। Wow! जैसे तुम लोग वॉल के अंदर आ जाओगे, तुम लोग यहाँ से जंप करते हुए आगे चढ़ना, और जैसे अपना रिवाइव पॉइंट होता है ना, उसका नीचे तुम लोग आ जाना। और यहाँ से आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही अपने स्क्वाड मेट को रिवाइव कर सकते हो। मतलब कि क्या ही ट्रिक है वाले, मतलब कोई ऊपर भी अंदर आके देखेगा ना, मतलब कहाँ से वो बंदा बचा रहे तो देख भी नहीं पाएगा ना कि तुम लोग नीचे से बहुत आराम से अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहे हो। और अगर ना तुम लोग अपने स्क्वाड के लास्ट वाले बंदे बचे हो, तो तुम लोग बहुत ही आराम से ना अपना मिनी लॉन्च पैड लगा के यहाँ पे आ सकते हो, और बहुत आराम से ना अपने टीममेट्स को रिवाइव कर सकते हो। और जो भी बंदे यहाँ पे आएंगे ना, उन्हें तुम लोग नीचे से मार भी सकते हो। और अगर ना कोई बंदा ऊपर से आके देखेगा, मतलब तुम लोग कहाँ से रिवाइव कर दो, मतलब वो पगला जाएगा क्या भूत रिवाइव कर रहा है आके। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग ऑटोमेटिक नीचे से रिवाइव कर सकते हो, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। बात तो सही है। तो भी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लेना है, फिर तुम लोग क्लॉक टावर की इस वाली जगह पे आ जाना है। फिर तुम लोग अपनी जो गाड़ी है ना, मतलब व्हाइट वाली, उसको कुछ ऐसे मतलब जो दीवार होता है ना, उसके सटा के कुछ ऐसे लगा देना है। फिर तुम लोग गाड़ी से उतरना और इंटर और गेट आउट करना है। और फिर तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पूरा वॉल के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग पूरा वॉल के अंदर जाओगे, यहाँ से तुम लोग बहुत ही अपना रैंक पोस्ट कर सकते हो। तो साथ साथ अंदर आके ना तुम लोग ऊपर के जो बंदे होते हैं ना, जो रिवाइव करने आते हैं एटीएम से, उन्हें बहुत ही आराम से तुम लोग मार सकते हो। और ना इस वाली जगह पे लिटरली तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा ना, और बहुत ही आराम से तुम लोग ऊपर वाले बंदों को भी मार सकते हो। और बहुत ही आराम से इसके नीचे ना क्लॉक टावर के बहुत ही आराम से अपना रैंक पोस्ट कर सकते हो तुम लोग। और ना अगर अपना लास्ट वाला जोन इसी वाली जगह पे बन जाता है ना, तो तुम लोग बहुत ही आराम से इसके नीचे आकर ना बहुत ही आराम से अपना रैंक पोस्ट कर सकते हो। साथ साथ बहुत सारे किल भी कर सकते हो तुम लोग इस वाली जगह से। और अगर तुम्हारे सारे टीममेट्स मर चुके हैं ना, तुम लोग इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके यहाँ पे आ जाओगे ना, मतलब वो लोग पूरा पगला ही जाएंगे, तुम लोग क्या ही ट्रिक करके अंदर आ चुके हो पूरा। मतलब कि ना ये वाली ट्रिक भी देखने में कुछ खतरनाक लग रही है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर दो। ओके तो अभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग सबसे पहले एक जीप लेना, उसके बाद तुम लोग सेंटोसा की इस वाली जगह पर अपने जीप को ला देना है। और फिर तुम लोग अपने जीप को ना मतलब थोड़ा सा हेल्थ रखना है, बाकी सारे हेल्थ कम कर देना तुम लोग को गाड़ी को फोड़ के। और ना जैसे तुम लोग अपनी कार का हेल्थ कम कर दो ना पूरा, उसके बाद तुम लोग अपनी जीप को ना नीचे कुछ ऐसे आगे मतलब बैक लेना, और फिर तुम लोग तेजी से अपने जीप को पूरा नीचे की साइड फेंक देना है। और जैसे तुम लोग अपनी जीप को पूरा नीचे फेंक दो ना, उसके बाद टप्पा खाने देना उसको एक बार, उसके बाद तुम लोग को हवा में अपनी गाड़ी को कुछ ऐसा फोड़ देना है। और फिर तुम लोग जीप के मतलब नीचे जाकर देखना है। अच्छा। और ना जैसे तुम लोग अपनी जीप को अपने नीचे आके देखो ना, मतलब तुम्हारी जीप ना हवा में पूरा फूट के मतलब ऐसे ही टंगी हुई है, मतलब देख से तो लग रहा है ना कि इसे जीप लाइन से लटकाया गया हो। अरे बाबा। और ना अगर इस वाली बग को तुम लोग कर ले, तो मतलब तुम्हारी जब जीप हवा में फूट जाती है ना, उसके बाद तुम लोग एक बार मरना है और रिवाइव होकर इसके ऊपर भी उतर के ना तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो। और ना दूर से कोई इनेमी और बंदा भी देखेगा ना, मतलब वो पगला जाएगा कि जीप कैसे हवा में मतलब फूट सकती है। मतलब देखने में ना काफी अमेजिंग लग रहा है वाला ट्रिक।
सही खेल गया वैंच। तो भी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को लेना, उसके बाद तुम लोग फैक्ट्री किस वाली जगह पे ना अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को कुछ ऐसे लाके लगा देना है, और फिर तुम लोग गाड़ी में से उतरना और इंटर और गेट आउट करना। उसके बाद देख सकते हो ना पूरा तुम लोग ये जो पानी टंकी होता है ना इसके अंदर आ चुके हो। और जैसे तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओगे यहाँ से तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पोस्ट कर सकते हो, साथ साथ बहुत सारी किल भी कर सकते हो। और इस वाली जगह पे ना लिटरली तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा। और इस वाली जगह पे ना तुम लोग अपने स्क्वाड के साथ भी आ सकते हो, अपने चारों टीममेट ना यहाँ पे आकर बहुत ही आराम से अपना रैंक पोस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा। और बहुत ही आराम से ना तुम लोग अपना ग्रैंड मास्टर भी कर सकते हो। और ना अगर इस वाली जगह से तुम लोग किसी बंदे को मारे ना मतलब वो दिखेगा तो पगलाई जगह तुम लोग कहाँ से बंदे को मार चुके हो। ये भी ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोग को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। ओके। और ना अगर तुम लोग ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसी और अमेजिंग बग्स और ग्लिचेस जानना चाहते हो ना, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।